हेलो, आज हम बनाएंगे मटर पनीर मसाला। ये हमने 300 ग्राम टमाटर लिए, एक बड़ी प्याज है और हमने मटर लिए हैं। ये होममेड पनीर हमारा, मिल्क पाउडर वाला ये लिए हमने। दही लेंगे 2 टेबल स्पून और किचन किंग मसाला लेंगे 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून क्रीम लेंगे, 1 टीस्पून चिली पाउडर लेंगे और 2 ग्रीन चिली है। थोड़ा सा हम जिंजर लेंगे और 4-5 पीस हम लहसुन के लेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबल स्पून इसमें लेंगे हम कसूरी मेथी और थोड़े से काजू लेंगे। अभी हम शुरू करेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाले हमने। अभी ये प्याज डालेंगे। प्याज हल्का गुलाबी हो गया है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। अब ये प्लेट में जो सारे मसाले हैं, अदरक, लहसुन, काजू, हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे और इसको हम हल्का नरम होने तक टमाटर को पकाएंगे और इसको ठंडा करके फिर ग्राइंडर में पीसेंगे। अब हमने गैस ऑफ कर दी है, ठंडा करके इसको पीसेंगे। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे कढ़ाई में 2 टेबल स्पून के करीब। अब ये मसाला है जो उसको हम शामिल करेंगे। इसमें हम नमक भी ऐड करेंगे, नमक दिखाना हम भूल गए। इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे, फिर इसमें हम मटर शामिल करेंगे। इसमें हम दही भी डालेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी शामिल करेंगे। अभी इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए रखेंगे और फिर इसमें मटर और पनीर को शामिल करेंगे। अब इसमें मटर डालेंगे हम। और गरम मसाला भी डालेंगे। अब इसमें थोड़ी क्रीम डालेंगे। अब कसूरी मेथी डालेंगे। अगर क्रीम नहीं है आपके पास तो आप 2 टेबल स्पून इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें बटर ऐड करेंगे। बटर इसमें मेल्ट हो चुका है। अब इसमें पनीर को हम डालेंगे। इसको धीमी आंच पे हम इसको कवर करके 2 मिनट के लिए रख देंगे और फिर गैस ऑफ कर देंगे। ये हो चुका है रेडी। अभी हम गैस ऑफ करेंगे। ये हो गया रेडी मटर पनीर हमने बनाया है। आप भी इसी तरह बनाइए। और इसमें हमने 2 चीज़ें जो ऐड की है, इसमें बटर और हरा धनिया, वो बताना भूल गए। और ये पनीर भी हमारा होममेड है। इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। आप भी इसी तरह बनाइए और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।